तो आइए शुरू करते हैं आगे का एजेंडा। और अभी राजधानी दिल्ली की बात करेंगे, उन हालातों की बात करेंगे जो कई सवाल खड़े करते हैं। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। दिल्ली में दरअसल आज सुबह थोड़ी सी बरसात ने एक बार फिर वही कहानी दोहरा दी। दिल्ली फिर पानी पानी है और बड़ी खबर ये कि दिल्ली के कई पॉश इलाके पानी में डूब चुके हैं। मिंटो रोड, आईटीओ, हर जगह से जल भराव की सूचना मिल रही है। आईटीओ में लगा भारी ट्रैफिक जाम। कनॉट प्लेस में भी सड़कों पर पानी भर चुका है। अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। और दिल्ली का दिल जिसे कहते हैं कनॉट प्लेस, वहां भी सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो थोड़ी सी बारिश हुई नहीं और आप देखिए दिल्ली का दम कैसे निकल चुका है। यहां का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से ठप पड़ चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं, मिंटो रोड की तस्वीर। हर साल वही कहानी यहां नजर आती है। आपको वो तस्वीरें अभी भी याद होंगी जब एक पूरी बस वहां पर फंसी हुई थी मिंटो रोड में रेलवे पुल के नीचे। और एक बार फिर से वहां पर लगभग उसी तरीके के हालात हैं। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा पानी। अभी थोड़ी देर पहले की तस्वीर आपने देखी थी जब एक ऑटो पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ नजर आया था। अब हम आपको आईटीओ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बारिश के बाद भारी जमाव की सूचना, जल जमाव की सूचना वहां से भी है। दिल्ली का एक बहुत ही व्यस्त चौराहा आईटीओ, जहां पर इनकम टैक्स ऑफिस है, तमाम दिल्ली पुलिस के ऑफिस से लेकर तमाम दफ्तर हैं। मेरे साथ आजातिका सिंह इस वक्त आईटीओ से मौजूद हैं और हमारे साथ दीपक रावत भी हैं डीएनडी फ्लाईओवर के पास से, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन आजातिका, पहले आप ये बताइए कि आईटीओ के आसपास क्या स्थिति देख पा रही हैं आप? अखिलेश, बस एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगी। मैं आईटीओ नहीं, मैं मिंटो ब्रिज पर हूं, जहां की बात अभी आप कर रहे थे। दर्शकों को जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे वो वही जगह जहां पर ऑटो डूबा हुआ नजर आ रहा है। और जैसे जैसे कुछ देर हो गई है, देखिए ऑटो अब थोड़ा सा बाहर आ गया है। मेरे साथ ऑटो चालक है, इधर इधर मुनील जी हैं, जिनका ये ऑटो है, उसमें उनका पर्स, लाइसेंस, गाड़ी के तमाम कागजात, वो सब ऑटो के उसी में मौजूद हैं। भैया, ये जो ऑटो आपका नज़र आ रहा है हमें, क्या टाइम रहा, कैसे डूब गया? उस टाइम में 6:30 बज रहा था, बारिश भी शुरुआत हुई थी। हमारा गाड़ी बीच में था, गाड़ी बंद हो गया, स्टार्ट नहीं हो पाया, हमने गाड़ी नहीं निकल पाया। उसका बाद में कोई ऑप्शन नहीं था गाड़ी निकलने का। पानी उस टाइम में कम था, जब तक हमारा गाड़ी अचानक इतना पानी भर गया, अचानक ही भर गया पानी एकदम से। गाड़ी में लोग थे आपके साथ, सवारी? गाड़ी में भी सवारी था, उसको हमने भगा दिया उतार कर। अच्छा, आपने वक्त रहते उनको निकाल दिया, तो फिर आप निकले लेकिन बाकी सामान नहीं निकाल पाए? सामान नहीं निकाल पाया, गाड़ी का पेपर भी उसमें, लाइसेंस बेच हमारा, कुछ पर्स भी उसमें, पैसे भी था उसी में, सारा सामान इसमें है कि नहीं है, अब वो दहा गया पानी में, ये भी नहीं समझ पा रहे। बहुत नुकसान हो गया। पहले भी ऐसा हुआ है यहाँ पर? पहले भी कितना बार हुआ है, कितना ऑटो, कितना गाड़ी भी डूबा हुआ है। आपको अंदाजा नहीं हो पाया कि जब इतनी तेज बारिश हो रही है तो यहाँ पानी भर जाए? तो निकल जाता, लेकिन हमारा गाड़ी बंद हो गया अचानक से। सवारियों को आपने भगा? सवारियों को हमने निकाल दिया। देखिए, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन तस्वीरें मैं एक बार फिर से अखिलेश दर्शकों को दिखा दूं, ये मिंटो ब्रिज जो लगातार हर साल दर साल इसकी तस्वीरें आती हैं। ये बताया गया था कि रीडेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, लेकिन फिर भी तमाम जो विकास है वो बाहरी ही नजर आता है जब तक आप ड्रेनेज का काम नहीं करते, क्योंकि जैसे ही आधा घंटा या उससे ज्यादा की बारिश होती है मिंटो ब्रिज की तस्वीरें फिर से ऐसी नजर आती है। मिंटो ब्रिज का वो दूसरा हिस्सा, दूसरी तरफ जो आप दिखा रहे हैं तस्वीरें, वहां से कनॉट प्लेस की शुरुआत हो जाती है। वो पूरा हिस्सा, वो सर्किल जो है कनॉट प्लेस का है। अब सोचिए वहां पर इतनी महंगी जमीन, इतनी महंगी दुकान, तमाम अहम प्रतिष्ठान है, इसके बावजूद इस तरह के हालात, और हर साल यही स्थिति दिखती है, कोई सुधार नहीं। डीएनडी जरा चलते हैं, दीपक रावत वहां पर मौजूद हैं। दीपक, ये जो डीएनडी है ये दिल्ली और नोएडा को कनेक्ट करने के लिए मुख्य सड़क है, यहां पर क्या हालात है, बारिश के बाद क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? अखिलेश, सुबह से ही बरसात हो रही है और बारिश के बाद जिस तरह की स्थिति आमतौर पर दिल्ली एनसीआर में होती है, कुछ वैसी स्थिति है। जाम लगना शुरू हो गया था सुबह के वक्त से, लेकिन अब
थोड़ा उसमें राहत मिली है क्योंकि बारिश हल्की है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन सुबह के वक्त यहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल था। डीएनडी क्रॉस करने में आमतौर पर 15 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन सुबह के वक्त की स्थिति ये थी कि घंटे भर का जाम था। अभी भी कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो पानी की वजह से ख़राब पड़ी हुई हैं आगे की तरफ, वहाँ पर भी लंबा ट्रैफिक जैम है। तो लगातार कोशिश ये की जा रही है ट्रैफिक पुलिस की मदद से भी कि जो ख़राब गाड़ियाँ उनको साइड किया जा सके, किनारे किया जा सके, ताकि लोग अपने दफ्तरों तक पहुँच सके। लेकिन सुबह के वक्त इस तरह से बारिश का होना सबसे ज़्यादा परेशानी भरा उन लोगों के लिए होता है जिन्हें दफ्तर जाना होता है, और यही आज देखने को मिल रहा है सुबह से जब बारिश हो रही है। मौसम विभाग का लगातार कहना है कि पूरे दिन तेज़ बारिश होगी, यानी कि आप अंदाज़ा लगाइए कि शाम के वक्त जब लोग वापस लौटेंगे तो उस वक्त भी इसी ट्रैफिक जैम से दो चार होना पड़ेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बारिश होने से दिल्ली में मौसम तो सुहाना ज़रूर हो जाता है, लेकिन उसके बाद सड़कों का क्या हाल होता है वो तस्वीरें हैं सब कुछ बयां करती हैं। बारिश के बाद गाजियाबाद से जो हमें जानकारी मिल रही है कि एलिवेटेड रोड पर वहां पर भारी जाम लग गया। दिल्ली बॉर्डर से राजनगर एक्सटेंशन को जोड़ने वाली सड़क पर ये जाम लगा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात हैं, गाड़ी जहां तहां रुकी हुई है। अब इनमें से कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें समय पर दफ्तर पहुँचना होगा, बच्चों को स्कूल तक जाना होगा, हो सकता है कोई बीमार हो, कोई मरीज हो, आप सोच सकते हैं कितनी दयनीय स्थिति हो जाती है। हमारे साथ आजातिका भी लगातार जुड़ी हुई, हमारी सहयोगी मिंटो रोड के पास वो मौजूद हैं। आजातिका, साल दर साल यही स्थिति नजर आती है दिल्ली एनसीआर का पूरा हिस्सा, और दिल्ली एनसीआर तो छोड़िए तमाम बड़े महानगर जो तथाकथित तौर पर स्मार्ट सिटी कहे जाते हैं वहां भी यही स्थिति देखने को मिलती है। करोड़ों रुपए का बजट होता है, इसके बावजूद ड्रेनेज सिस्टम में किसी तरीके से कोई सुधार हम नहीं देख पा रहे हैं। बिल्कुल अखिलेश, यही तस्वीर आती है और इसीलिए बड़ी खबर भी है और बड़ा सवाल भी है। मेरे साथ एक शख्स है जो कि इसी पानी से, इतने गहरे पानी से अभी क्रॉस करके आ रहे हैं। क्यों आपने यही रास्ता चुना? यहाँ पर रिस्क भी बहुत है और इससे हम देख रहे थे आप डूबते हुए आ रहे, पूरे भीग भी गए आप। क्या नाम हुआ? सौरभ यादव। सौरभ जी, यही रास्ता क्यों? यही रास्ता बचा हुआ था, बाकी भी और डूबे हुए हैं क्या? हाँ, सब सब भी डूबे हुए हैं। आगे आप किसी जरूरी काम से निकले हुए हैं? जरूरी काम से निकले हुए हैं। कुश्ती का ट्रायल है मेरा। अच्छा, कुश्ती आप करते हैं, उसका ट्रायल देना है, तो कहाँ पर जा रहे हैं अभी? अभी तो जा रहे विश्राम करने अपने रूम पे। अच्छा, तो अभी ड्यूटी करके आ रहे हैं और प्रैक्टिस करके आ रहे हैं? अभी भी सफर से आ रहे हैं। जी जी, कानपुर से। जी जी, कानपुर से आ रहे हैं। अच्छा, तो देखिए कुश्ती का ट्रायल है और इतने गहरे पानी से वो निकलते हुए आ रहे हैं। करीबन 7-8 फीट का ये पानी था, लेकिन अब जब मोटर लग गया है तो पानी की जो जलमग्न एरिया था वो पानी धीरे धीरे लेवल उसका कम हो रहा है, लेकिन अब भी बहुत खतरनाक है यहाँ से निकलना। तो हम भी लगातार लोगों को यही बता रहे हैं कि आप इस रास्ते को अवॉइड करें। पुलिस ने भी अब बैरिकेड्स लगा दिए हैं। बैरिकेड जो आपको इधर नज़र आ रहे हैं ये पूरी तरह से डूबा हुआ था जब मैं यहाँ पर आई थी। करीबन 15-20 मिनट में जो पानी का स्तर है वो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन आप देखिए बाहरी खूबसूरती कितनी दिखाई देगी। जगह जगह पेंटिंग्स नज़र आ रही हैं, ऊपर घड़ी नज़र आ रही है, तिरंगा नज़र आ रहा है, सुंदर सुंदर ड्रॉइंग्स नज़र आ रही हैं, लेकिन जो सबसे ज़रूरी काम यहाँ पर होना था वो था ड्रेनेज का। और ड्रेनेज का काम यहाँ पर क्यों नहीं हुआ है, ये हर बार हम भी सवाल उठा हैं, दिल्ली के लोग भी सवाल उठाते हैं। जैसे कि अखिलेश आप बता रहे थे कि ये जगह कितनी हाईफाई है, ये सीपी इलाका है, यहाँ पर एक एक स्क्वायर फुट जो है वो बहुत महंगा है। एक एक दुकान पे अगर किराया भी देते हैं दुकानदार तो वो एक एक लाख से कम का नहीं है पर मंथ का, और ऐसे में उन्हें इस सुविधाओं के नाम पर लोगों को क्या मिल रहा है? देख लीजिए, इस तरीके से जलमग्न सड़कें।